श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। दत्त यानी नवनाथों के गुरु और गोरक्षनाथ मतलब शिव के अवतार। हमने पूर्व में दत्त महाराज का एक मंत्र आप लोगों को दिया था, ओम द्राम दत्तात्रेय नमः, जिसके 9 बार जाप करने मात्र से ही सकल कामना सिद्ध होती है। और आपको जो अगर डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो उसका नाश होता है। और गोरक्षनाथ जी का मंत्र दिया था, ओम शिव गोरक्ष योगी। इस मंत्र को भी जब आप सिद्ध करते हैं तो इसको गुरु मंत्र की तरह सिद्ध करते हैं, और ये एक मंत्र पर्याप्त है सारे साधना को, सारे जो सटकर्म है उसको करने के लिए, ठीक है, एक ही मंत्र। लेकिन आज जो मंत्र मैं दे रहा हूं ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको आमतौर पे भी अगर ज्ञान हो तो मिल जाएगा, मेरा काम है ज्ञान आप तक पहुंचाना। इसको दत्त गोरक्षनाथ कवच बोलते हैं, या इसको दत्त गोरक्षनाथ कवच राज भी बोलते हैं, ठीक है। मंत्र का शुरुआत होता है श्री दत्तात्रेय नमः, ओम नमो दत्त गोरक्षनाथाय नमः। ये जो मंत्र है, देखो जो कालखंड है ना, कालखंड चाहे वो श्री राम का हो, श्री कृष्ण का हो, आदि शंकराचार्य का हो, या गोरक्षनाथ जी का हो, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि धर्म का जब फैलाव हुआ तो सारी चीजें मौखिक गई, मौखिक तो गई, लेकिन उसमें कहीं भी कालखंड का वर्णन तिथि के रूप में नहीं रहा, कैलेंडर के रूप में नहीं रहा। जब भी रहा तो वो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के रूप में रहा। अब क्या है कि अगर आप इतिहास के हिसाब से जाएंगे तो गोरखनाथ जी का प्रादुर्भाव दो समय का, दो कालखंड का बोला जाता है, एक ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, उनकी कथा जो है 3री शताब्दी तक इसलिए आती है क्योंकि वो काफी 100 साल जिए थे, और दूसरा गोरक्षनाथ जी का विवरण मिलता है जिसमें कि वो 8वीं शताब्दी में आता है, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य बात ये है, आपको ये समझना चाहिए कि गोरक्ष हो या कानिफनाथ हो, ये कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन एक स्थिति है, जो भी मनुष्य स्थिति पर पहुंचता है उसको गोरक्ष माना जाता है या उनको दत्त माना जाता है। मैं आपको ये व्याख्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि गोरक्षनाथ जी का जो प्रादुर्भाव है वो 8वीं शताब्दी में हुआ था, और सारी कहानियां उसी हिसाब से है। उसी पर एक तर्क आता है कि विक्रमादित्य के समय में गोरक्षनाथ जी थे तो 300 साल पहले भी ईसा पूर्व वो होंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको गोरक्ष दत्त का जो मंत्र बताने जा रहा हूं ये रुद्रमलय तंत्र का है। रुद्रमलय तंत्र यानी पार्वती और महादेव ने जब एक दूसरे से वार्तालाप किया तब, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आदिनाथ, हाँ उदयनाथ, इन लोगों के कालखंड में भी ये जो नाम थे गोरखनाथ और दत्त महाराज ये हुआ करते थे, ये थे। दत्त महाराज तो कालांतर से हैं लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग नवनाथों का प्रादुर्भाव हुआ। पार्वती जी ने बोला, नमस्ते देव देवेश विश्वव्यापी महेश्वर, महादेव को श्री दत्त गोरक्ष कवचम दत्त राजम वद प्रभो, मतलब गोरक्ष कवच जो है वो हमें आप दीजिए। तो इस पर महादेव जिनको ईश्वर बोला जाता है, उन्होंने बोला श्री विष्णु, श्रृणु शैल सुते सत्य सिद्ध मार्ग मयोदितम ज्ञान विज्ञान मार्गेन जीवन मुक्तो भवेन रहा। मतलब हे शैलपुत्री ये सुनो, सत्य और सिद्ध मार्ग जो देगा, जो ज्ञान विज्ञान के मार्ग को जीवन में लाएगा और जो मुक्ति प्रदान करेगा मनुष्यों के लिए, वो दत्त गोरक्ष कवच मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। दत्त कवच करने का विधान क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि ये रोज के जाप के रूप में आप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर उवाच है, ईश्वर ने अपने मुख से बोला है, तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हाथ में जल लेंगे, ओम मत्स्य
श्री दत्त गोरक्ष कवच मंत्रस्य सदाशिव ऋषि ही अनुष्टुप छंदः श्री दत्तात्रेय गोरक्ष परमात्मा देवता ओम बीजम अनुभव शक्ति श्री दत्त गोरक्ष प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनयोग, ऐसा बोल के जल गिरा देंगे। ठीक है, जब भी आप पूजा पे बैठेंगे तो शुरुआत ऐसे करेंगे, संकल्प लिया, उसके बाद ओम द्राम घ्राम अंगुष्टाभ्याम नमः, तो अंगूठे का स्पर्श करेंगे तर्जनी से, फिर ओम तम रम तर्जनीभ्याम नमः, फिर अंगूठे से तर्जनी का स्पर्श करेंगे मूल से टिप तक, सबसे ऊपर तक, ओम त्रम श्रम मध्याभ्याम नमः, मध्यमा का स्पर्श करेंगे, ओम अम नम अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका का स्पर्श करेंगे, ओम बम थम कनिष्ठकाभ्याम नमः, कनिष्ठ का जो सबसे छोटी उंगली है उसका स्पर्श करेंगे, उसके बाद ओम द्राम ह्रिम करतल कर्वष्टाभ्याम नमः, दोनों हाथों के तलवों से दोनों हाथों को, मतलब जैसे मलते हैं वैसे एक बार स्पर्श करेंगे, फिर हृदयनायास करेंगे, ओम द्राम ग्राम हृदय नमः, हृदय का स्पर्श करेंगे, ओम तम रम सिर से स्वाहा, तो सिर का स्पर्श करेंगे, ओम त्रम छम शिखाया वसटा, तो शिखा का स्पर्श करेंगे, ओम अम नम कवचाय होम, लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पे रखेंगे और क्रॉस करके राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखेंगे और बोलेंगे ओम नम कवचाय होम, ओम बम थम नेत्राय वसट, तो मिडिल फिंगर त्रिनेत्र पर और दोनों बगल के उंगलियों से दोनों आंखों का स्पर्श करेंगे राइट हैंड से। ठीक है, उसके बाद ओम द्राम ह्रीम अस्त्राय नमः, तो तीन बार अपने हाथों को राइट हैंड को अपने सर के ऊपर से घुमाएंगे और जितने बार घुमाएंगे एक बार चुटकी बजाएंगे। ठीक है, तो तीन बार घुमाएंगे तो तीन बार चुटकी बजी, उसके बाद लेफ्ट हैंड के करतल पर अपने राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर से तीन बार ताली बजाएंगे ऐसे, तो दिगवंद आपका हो जाता है। फिर क्या करना है, गायत्री मंत्र का 24 बार जाप करना है, कौन से गायत्री का, ओम आदि रूपाय विद्महे, ओम आदि रूपाय धीमहि तन्नो दत्त गोरक्ष प्रचोदयात, क्या, ओम आदि रूपाय विद्महे, ओम अनादि रूपाय धीमहि तन्नो दत्त गोरक्ष प्रचोदयात, पहले बार आदि रूपाय, दूसरे बार अनादि रूपाय, उसके बाद मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि आप रोज मंत्र का जाप करेंगे तो 108 बार जाप करेंगे मंत्र का। क्या है मंत्र, बहुत साधारण सा मंत्र है लेकिन बहुत पावरफुल मंत्र है, ओम ओम दम वम तम, ओम 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 दत्त गोरक्ष सिद्धाय नमः, ओम ओम दम वम तम, ओम 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 दत्त गोरक्ष सिद्धाय नमः, एक बार फिर सुनिए, ओम ओम दम वम तम, ओम 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 दत्त गोरक्ष सिद्धाय नमः, ये मंत्र है, इसका जाप करें, उसके बाद दोनों को प्रणाम करें। ठीक है, इस मंत्र को सिद्धि कर लेने से, इस मंत्र के जाप करने से माना जाता है कि एक सिद्धि के पास जितनी सिद्धियां होती हैं उतनी सिद्धियां आपके पास धीरे धीरे आने लगती हैं, आपके वाणी में सिद्धि आने लगती है, आपके वचन में, आपके कर्म में सिद्धि आने लगती है, क्योंकि गोरक्षनाथ और दत्त भगवान आज के लिए दोनों को एक ही बोला जाता है, दत्त गोरक्ष एक ही माया, तो दोनों का कृपा प्राप्त आप हो जाते हैं अगर इस मंत्र को करते हैं, किसी भी तरीके के तंत्र मंत्र यंत्र से भी बचे रहते हैं। आज के लिए इतना ही, जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585, इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो आपको सिखाते हैं, जैसे यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, अपना बंधन करना, भैरव जी की साधना करना। जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम जानना है या लिंक पढ़ना है वो www.agurutantras पर जाएं, मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दत्त भगवान और गोरक्ष महाराज आपकी रक्षा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना, आप सभी को आदेश आदेश आदेश।